ठीक है. नाउ लेट मी राइट अ क्यूरी और वी कैन से सिंटैक्स फॉर रिकर्सिव सीडी, देन वी विल सी कि हाउ द सिंटैक्स केम अप एंड हाउ द आउटपुट विल बी विजिबल. सो लेट्स से आई एम टाइपिंग सेलेक्ट मैं ऐसे लिख रहा हूँ सेलेक्ट वन एज अ नम. ठीक है, सेलेक्ट वन एज अ नम. मैं अगर इस क्यूरी को मैं रन करता हूँ तो आउटपुट में क्या आएगा, वन आएगा. बराबर क्योंकि सेलेक्ट में मैं क्या मेंशन कर रहा हूँ, बस वन मेंशन कर रहा हूँ. देन यूनियन ऑल, लेट मी रैप दिस विद सी डी एज, मैं सी डी के अंदर इसको रैप कर रहा हूँ. यूनियन ऑल सेलेक्ट, इस नम का रेफरेंस ले रहा हूँ. नम को क्या मैंने मेंशन किया, वन. तो सेलेक्ट नम प्लस वन एज नम. जब हम यूनियन ऑल करते हैं या यूनियन करते हैं तो हमें क्या देखना पड़ता है कि नंबर ऑफ कॉलम सेम होने चाहिए. मैं फर्स्ट जो सीटी ऊपर का जो सेलेक्ट सेट मिला वहां पे मैंने एक नंबर मेंशन किया, उसको नाम दिया नम. उसी कॉलम के ऊपर मैंने दूसरा यूनियन ऑल किया है और यहाँ पे मेंशन किया है कि जो इस नम का वैल्यू आएगा, इस पर्टिकुलर क्यूरी का जो वैल्यू आएगा उस वैल्यू में वन ऐड होगा एंड देन उसका नाम भी नम आएगा. ठीक है, वेयर दिस नम प्लस वन इज लेस देन टेन. ठीक है, run this. Check the syntax once again. This where clause should be inside the bracket. ठीक है, so इस क्यूरी का आउटपुट क्या है, 1 to 9 आया है. ये जो फर्स्ट क्यूरी होती है, दिस इज माय एंकर एलिमेंट, इसको हम एंकर एलिमेंट बोलते हैं. इस एंकर एलिमेंट के अंदर जो क्यूरी होती है दिस इज वन टाइम रन होती है. ये क्यूरी वन टाइम रन होगी. जब ये फर्स्ट टाइम रन होगी तो मुझे आउटपुट में वन देगी. नाउ ये जो यूनियन ऑल बाद वाली ये जो क्यूरी, ये हर टाइम रन होगी. ये रिकर्शन होगा इस क्यूरी का, रिपीटेटिवली ये क्यूरी रन होगी. कब तक रन होगी, जब तक ये कंडीशन उसको सेटिस्फाइड हो रही है. ठीक है, जैसे मैं अभी ये फर्स्ट क्यूरी रन किया, मैंने मुझे आउटपुट मिला वन. सो दिस इज माय एंकर एलिमेंट. उसके बाद सेकंड वाली जो क्यूरी है वो आउटपुट में वन प्लस वन करेगी, आउटपुट देगी मुझे टू. देन ये जो आउटपुट आया है टू, दिस आउटपुट मैं कंसिडर एज एंकर एलिमेंट एंड इसमें वापिस टू प्लस वन थ्री एड होगा. ये कब तक चलेगा, जो मैंने कंडीशन क्या दी है कि ये जो नम प्लस वन है ये लेस देन टेन चाहिए मुझे, इसलिए ये नाइन नंबर तक रन हुई है, टेन मुझे आउटपुट में नहीं मिला है. ठीक है, ये
रिकर्सिव सीटी का सिंटैक्स होता है, जिसमें आपको ऐसे ही लिखना पड़ता है उसको, विथ सीटी, सीटी के अंदर सेलेक्ट जो भी कॉलम्स आप चाहते हो, देन यूनियन ऑल, देन दूसरा क्यूरी जिसमें फर्स्ट क्यूरी के अंदर आपने जो कॉलम लिए हुए है उस कॉलम का रेफरेंस देना पड़ता है, एंड आप ये जो सीटी है इस सीटी का ही यहाँ पे रेफरेंस ले रहे हो, आप सीटी के अंदर सीटी का रेफरेंस ले रहे हो, ठीक है। देन आप एक वेयर कंडीशन देते हो कि ये जो रिकर्शन है ये आपको कब तक, कहाँ तक चाहिए, इसका आउटपुट आपको कहाँ तक चाहिए। अगर मैंने ये वेयर कंडीशन नहीं दी तो ये जो क्यूरी है ये कंटिन्यूसली रन होती जाएगी, इसलिए रिकर्सिव सीटी में वेयर कंडीशन देना बहुत जरूरी होता है। सिंटैक्स ऐसा ही रहेगा, फर्स्ट सेलेक्ट स्टेटमेंट, देन सेलेक्ट स्टेटमेंट, उनके बीच में यूनियन ऑल एंड देन वेयर कंडीशन, लास्ट में सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दैट सिटी, ठीक है। अभी ये क्यूरी समझी, ये कैसे आउटपुट दे रही है, सिंटैक्स इसका ऐसा ही है, आपको ऐसे ही इसको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इसमें कुछ ऐसा शॉर्टकट नहीं है या कोई अदर वे नहीं है इसको लिखने का, दिस इज द ओनली वे, रिकर्सिव सिटी आपको ऐसे ही लिखनी पड़ेगी, ठीक है। लेट्स कंसिडर वन एग्जाम्पल, क्रिएटिंग दिस टेबल, लेट मी प्रोडक्ट वन एंड कुछ उसमें वैल्यूज पुट कर रहा हूँ मैं, इसमें डेटा है इतना, लेट्स से आपके पास ऐसा सिनेरियो है जिस सिनेरियो में आपको एक रेंज दी हुई है, जैसे कि प्रोडक्ट आईडी है मेरा और उस प्रोडक्ट आईडी का प्राइस जो है, ये प्राइस मेरा पहले 1200 था, ठीक है, पहले 1200 उसका प्राइस था, देन वो प्राइस चेंज होके 1500 हुआ है, बट 1200 प्राइस कब तक था, स्टार्ट डेट एंड डेट है उसका, मतलब जैसे कि यहाँ पे है 1 जनवरी 2023 से लेके 10th of January 2023 का उसका प्राइस 1200 था, एंड बाद में उसका प्राइस हुआ 1500, ठीक है। तो अभी इस केस में मैं अगर आपको बोलूँ कि मुझे इसका टोटल सेल निकालना है, या ये जो प्राइस का कॉलम है ना इसका मुझे समेशन करना है, तो इसको समेशन करने के लिए कैसे करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास तो दो ही रोज है, जब तक आपके पास 1200 के ऐसे 10 रोज नहीं आ जाते या 1500 के आपके पास ऐसे 5 रोज नहीं आ जाते, तब तक उस कॉलम का आप समेशन नहीं ले सकते ना, राइट। डेटा अगर आपके पास ऐसे फॉर्मेट में है तो पहले आपको उसको क्या करना पड़ेगा, एक प्रॉपर फॉर्मेट में लाना पड़ेगा, कि जैसे ये प्राइस का कॉलम है ये 1200 ऐसे रिपीट हो, स्टार्ट डेट और एंड डेट कब तक रिपीट हो, ये जो डेट रेंज दी हुई मैंने उससे रिपीट हो, तो उसको इस ऐसे सिनेरियोस को सॉल्व करने के लिए हमें रिकर्सिव सीटीज यूज करनी पड़ती है, ठीक है। क्योंकि जिस डेटा में आपके पास बस रेंजेस दी हुई है, डेट रेंज दी हुई है और चेंजेस मेंशन किए हुए हैं कि ये चेंज जो पर्टिकुलर है प्राइस, लेट्स से अपने केस में प्राइस का चेंज है, तो प्राइस का चेंज कब स्टार्ट हुआ एंड कब उसको एंड हुआ, देन सेकेंड वे सेम प्रोडक्ट का प्राइस 1500 हुआ वो कब से लेके कब तक चला, तो सेम सिंटैक्स यूज करके हम रिकर्सिव सीटी कैसे लिख सकते हैं उसका। सो लेट्स से क्वेश्चन क्लियर है सबको, ऑनलाइन स्टूडेंट रिकर्सिव सीटी का ये क्वेश्चन जो है ये समझ गया सबको, हमें एक्चुअली क्या करना है, बोलो हाँ ना कुछ तो बोलो। यस यस सर। ओके, सो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, लेट्स से मैं यहाँ पे सीटी से स्टार्ट करता हूँ, लेट्स से विद सीटी वन एज रिकर्सिव सीटी का ये सिंटैक्स, सीटी के अंदर रैप में
जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि सेलेक्ट, मुझे चाहिए प्रोडक्ट आईडी, कॉमा ये प्राइस भी चाहिए मुझे, ओके, देन दिस स्टार्ट डेट, इसको मैं नाम दे रहा हूँ, इस स्टार्ट डेट को लेट्स से प्राइस, प्राइस डेट नाम दे रहा हूँ, इस स्टार्ट डेट को मैं क्या नाम दे रहा हूँ, प्राइस डेट दे रहा हूँ, एंड एंड डेट को एंड डेट ही रख रहा हूँ, ठीक है। ये कहाँ से आ रही है मेरा, इस प्रोडक्ट वन से आ रहा है ना, ठीक है। इस क्यूरी को अगर मैंने रन किया, अंदर की क्यूरी को, आउटपुट में क्या आएगा, ये टेबल आएगा। अभी मैं क्या कर रहा हूं, नेक्स्ट सिंटैक्स में क्या आता है, यूनियन ऑल, यहां पे मैंने कितने कॉलम दिए, 1 2 3 4 कॉलम दिए हुए, तो यूनियन ऑल जब मैं करूंगा तो नीचे की जो क्यूरी रहेगी उसमें भी 4 कॉलम चाहिए मुझे सेम, ठीक है। सो व्हाट आई कैन मेंशन, सेलेक्ट, इसमें भी मुझे प्रोडक्ट आईडी चाहिए, प्राइस चाहिए। नाउ इस केस में ये क्या हुआ, ये एंकर एलिमेंट है ना, ये एंकर हुआ, फर्स्ट क्यूरी जो होती है वो एंकर हुआ। अगर मैं प्राइस डेट को पकड़ू, फर्स्ट वाली डेट, तो इस फर्स्ट वाली डेट में मुझे ऐड करना पड़ेगा कुछ वैल्यू, बराबर इसमें मुझे ऐड करना पड़ेगा ना, इस स्टार्ट डेट में मुझे डेज ऐड करने पड़ेंगे। तो हम डेज कैसे ऐड करते हैं डेट के अंदर, मुझे अगर कुछ डेज ऐड करने हैं किसी डेट के अंदर तो कौन सा फंक्शन यूज करते हैं हम, डेट ऐड, क्योंकि नॉर्मली ऐसा तो नहीं होगा ना कि स्टार्ट डेट प्लस 10, ऐसे मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे प्रॉपर एक फंक्शन देना पड़ेगा उसको, राइट। सो डेट ऐड के अंदर सबसे पहले मुझे क्या पास करना है, किस में इंटरवल चाहिए मुझे, बराबर डे में चाहिए, कितना इंक्रीमेंट चाहिए, जैसे मैं 1 का इंक्रीमेंट करता हूँ कि 1 से इंक्रीमेंट हो जाए, क्योंकि 1 के बाद 2 आता है ना, 2 के बाद 3 आता है, तो मुझे 1 डे से ही इंक्रीमेंट चाहिए। एंड हमारा जो कॉलम कौन सा है, ये स्टार्ट डेट वाला है ना, या मैं उसको प्राइस डेट भी बोल सकता हूँ क्योंकि नाम उसको दिया है प्राइस डेट, एज इसको भी नाम दे रहा हूँ मैं प्राइस डेट, बराबर। यहाँ तक क्लियर है, एंकर एलिमेंट को क्या किया हमने, एडिशन किया डेट ऐड फंक्शन में, 1 डे ऐड किया है इसमें, देन लास्ट वाला कॉलम इन डेट, ये कहाँ से आ रहा है, फ्रॉम CT1, सेकंड रो CT1 से आता है, वेयर, वेयर कंडीशन में क्या आएगा, ये जो प्राइस डेट है ये लेस देन एंड डेट, प्राइस डेट जो है एंड डेट से कम चाहिए ना, नाउ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम CT1 run this, see the output. See, price कहाँ से start हुआ, 11 तारीख से, let me order this, order by, order date, ठीक है। ये 1 तारीख से स्टार्ट हुआ, कहां तक चला, ये
दस तारीख तक ना 1200। पहले ये जो मेरा प्रोडक्ट वन का टेबल था इसमें स्टार्ट डेट क्या थी? इसमें स्टार्ट डेट क्या थी? 1 से एंड डेट 10 थी बराबर। देन सेकंड में प्राइस डेट 11 से 15 तक है। क्यूरी को अगर हम एग्जीक्यूट करें तो 1 तारीख से 10 तारीख तक है यार, 1200 का क्या है 11 से लेके 15 तक। और यहाँ पे एंड डेट में हर जगह पे 10-10 है, एंड डेट इसकी 10 है, इसकी 15 है। नाउ अगर ये जो टेबल है ये मोर सिंप्लीफाइड हुआ, फिर इसके ऊपर आप आपके ऑपरेशंस कर सकते हो। आपको सेल सम करनी है या व्हाटएवर जो ऑपरेशंस करने हैं, क्यूरी का जो आउटपुट निकालना है वो करना है आपको। क्लियर है? रिकर्सिव सीटी यूज केस समझा, कैसे यूज केस है इसका? ऑनलाइन स्टूडेंट रिकर्सिव सीटी में कुछ प्रॉब्लम है? नो सर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडेक्सिंग। तो SQL में इंडेक्सिंग मतलब क्या होता है कि कोई मेरा टेबल है, ठीक है, उस टेबल को लेट मी ओपन दिस इन एक्सेल में लिखता हूँ, ठीक है। सो लेट से मेरे पास यहाँ पे है ऑर्डर आईडी, देन मेरे पास है लेट से डेट एंड कस्टमर आईडी। मेरे पास तीन कॉलम है, तो ये तीन कॉलम का जो मैं स्टोरेज करूंगा, लेट से यहाँ पे मेरे पास कुछ ऑर्डर है 1 2 3 4, लेट से मल्टीपल ऑर्डर्स मेरे पास है, राइट, एंड लेट से डेट में कुछ है मेरे पास, लेट से 2023-01-01। एंड अगेन यहाँ पे कोई कस्टमर आईडी है जिसने मल्टीपल ऑर्डर किए, जैसे यहाँ पे इसने 100 नंबर के कस्टमर आईडी ने कुछ ऑर्डर किया है, देन 200, अगेन 100, 300, 200, से 500, 400, अगेन 100, 200, 300। मतलब इन शॉर्ट मैं जैसे जैसे ट्रांजेक्शन मेरे पास होते जाएंगे वैसे वैसे मेरे ट्रांजेक्शन टेबल में डेटा स्टोर होता जाएगा। तो मेरे पास ऐसे सपोज मिलियंस ऑफ ट्रांजेक्शन होंगे। अगर मैं अमेजोन ऑर्डर्स की बात करूँ तो अमेजोन के पास डेली बहुत सारे ऑर्डर्स आते हैं, तो मिलियंस ऑफ ट्रांजेक्शन डेली स्टोर होते हैं। तो अगर मैं आपको क्यूरी बोलूँ कि लेट से मुझे हम जो अपने अमेजोन का जो हमारे पास एप्लीकेशन होता है तो उस API से अपन क्या करते हैं, बस ऑर्डर हिस्ट्री के ऊपर क्लिक करने के बाद क्या होता है कि हमें उस पर्टिकुलर हमारे जितने ऑर्डर्स हैं उस ऑर्डर की हिस्ट्री हमें दिखती है, बराबर। तो अभी लेट से मैं अगर क्यूरी करूँ, बेसिकली वहाँ पे क्या है वेयर क्लॉज ही है, राइट, कि जैसे मैं बोलूँ कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर वेयर कस्टमर आईडी इज इक्वल टू 100, ठीक है, आपका जो कस्टमर आईडी होगा उस कस्टमर आईडी के हिसाब से सॉर्टिंग होगा और आपको उतना ही डेटा दिखेगा। बट अभी 100 नंबर का जो कस्टमर है उसको सर्च करने के लिए मुझे लेट से मेरे पास
1 मिलियन रिकॉर्ड्स हैं, तो 100 टेबल को, 100 का जो कस्टमर आईडी, उसकी जो ऑर्डर्स है उसको निकालने के लिए मुझे ये टेबल को पूरा सर्च करना पड़ेगा, 1 मिलियन रिकॉर्ड इसमें सर्च करने पड़ेंगे, बराबर। कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग है वो, क्यूरी रन होने के लिए 15-20 मिनट, 1 घंटा भी लगेगा, इतना टाइम तो नहीं है ना, बट हमारा जो, हम जब क्लिक करते तो 1 क्लिक में वो आ जाता है कि कितना आपका ऑर्डर्स है। तो ये जो है, ये होता है इंडेक्सिंग से, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। क्यूरी का जो रन टाइम होता है, उस रन टाइम को कम करने के लिए इंडेक्सिंग यूज किया जाता है एसक्यूएल सर्वर में। ओके, सो ये इंडेक्सिंग कैसे होता है, ठीक है, ये कंसेप्ट समझा कि मैं डेटाबेस में कैसे स्टोर कर सकता हूँ डेटा। और अगर मैं, क्योंकि 100 जो मेरा है, 100 डिस्ट्रीब्यूटेड है ना 1 मिलियन रिकॉर्ड्स में, तो मुझे सारे के सारे 1 मिलियन रिकॉर्ड सर्च करने पड़ेंगे, देन उसमें से सॉर्ट निकालना पड़ेगा कि 100 का इतना ऑर्डर है, जैसे 200, 300, 500, 1000 जो भी ऑर्डर रहेगा वो सामने आ जाएगा मेरे। बट मुझे किसी कस्टमर आईडी को सर्च करने के लिए 1 मिलियन के 1 मिलियन रिकॉर्ड सर्च करने पड़ेंगे, ठीक है। दूसरा वे है, लेट से मैं अगर डेटा को ऐसे सॉर्ट करूँ, लेट से मैं यहाँ पे ऑर्डर आईडी लेगा, यहाँ पे डेट लिया, यहाँ पे कस्टमर आईडी है। अगर मैं डेटा को स्टोर करते समय ऐसे स्टोर करूँ, लेट से मैं यहाँ पे 100 जितने 100 के ऑर्डर्स रहेंगे वो स्टोर होते समय ऐसे स्टोर होंगे, 100 100, देन 200, देन अगेन 200, अगेन 300, अगेन 400। मतलब इन शॉर्ट, कस्टमर मेरे जितने ऑर्डर्स है, ये 100 के सारे जो है ये एक जगह पे स्टोर होंगे, देन 200 के स्टोर होंगे, देन 300 के स्टोर होंगे। एंड नाउ अगर मैं आपको बोलूँ कि इस टेबल से 100 को सर्च करो, तो वो क्या करेगा, जब तक उसको 100 मिलता है वो सर्च करता रहेगा। लेट से इस टेबल में, लेट से मेरे पास 11 रिकॉर्ड्स है, तो 11 रिकॉर्ड में से वो 11 के 11 चेक नहीं करेगा, वो फर्स्ट कुछ 4-5 रिकॉर्ड चेक करेगा, जब तक उसको ये कस्टमर आईडी 100 मिलता है वो आपको वो आउटपुट निकाल के दे देगा, रेस्ट ऑफ द रोज जो है वो चेक नहीं करेगा, बराबर। जो सर्च इंजिन है वो सर्च इंजिन, क्योंकि आपका डेटा सॉर्ट कैसे है, आपका डेटा कस्टमर आईडी की बेसिस पे सॉर्ट है, उसको पता है कि डेटाबेस को पता है कि मेरे पास 100 कस्टमर आईडी है, जब तक कस्टमर आईडी 200 नहीं आ जाता तब तक वो सर्च चालू करेगा या जारी रखेगा, 100 जब तक उसको मिल रहा है उतना काउंटिंग करके फिर आपको वो दे देगा कि मेरे पास 4 रिकॉर्ड है। तो उस केस में टेबल का जो स्कैनिंग था, वो टेबल का स्कैनिंग व्हाटएवर, जितना अगर 1/4 ही उसको चाहिए तो 1/4 हुआ, जैसे कि मेरे पास 3 रिकॉर्ड मुझे मिलेगी, 3 रिकॉर्ड 100 के, तो टेबल को बस इतने तक ही स्कैन हुआ, बाकी का स्कैनिंग हुआ नहीं। इससे क्या हुआ, ये जो 1 मिलियन रिकॉर्ड मुझे सर्च करने थे या स्कैन करने थे, अभी मैं बस उसके कुछ ही रिकॉर्ड स्कैन कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने डेटा को ऐसे स्टोर रखा था डेटाबेस के अंदर, ठीक है। ये एग्री करते हो कि भी इस क्यूरी में कंपेयर टू दिस क्यूरी, इस क्यूरी में थोड़ा कम टाइम लगेगा सर्च होने के लिए, बट इस क्यूरी में भी एक प्रॉब्लम है कि लेट से मेरे पास कुछ 10,000 नंबर का कस्टमर आईडी है, मैं स्टार्ट कहाँ से कर रहा हूँ सर्च करना, 100 से स्टार्ट कर रहा हूँ ना, तो 10,000 को सर्च करने के लिए उसको 100 से स्टार्ट करके 10,000 तक जाना पड़ेगा, या ऐसा कोई रिकॉर्ड हो सकता है कि जो उस ये मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड के सबसे लास्ट में हो, तब भी उस केस में भी उसको सारा के सारा टेबल स्कैन करना पड़ेगा, फिर अगेन क्यूरी टाइम को इश्यू आएगा और क्यूरी ज्यादा टाइम लेगी रन होने के लिए। तो इस इश्यू को सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं इस चार्ट, इसको हम बी चार्ट बोलते हैं, बाइनरी ट्री इंडेक्स जिसको बोलते हैं। लेट मी ओपन दिस एंड एक्सप्लेन यू व्हाट इज इट। स्क्रीन दिख रहा है, सबको दिख रहा है ना स्क्रीन? अभी यहाँ पे ये जो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं ना, ये जो पेजेस होते हैं डेटाबेस के अंदर जिसके अंदर ऐसा स्टोरिंग होता है, तो अगर मैं सबसे लास्ट वाला रो देखूँ, ये वाला, यहाँ पे डेटा स्टोर कैसे है कि यहाँ, लेट से यहाँ पे मेरे पास जो कस्टमर आईडी है, तो लेट से यहाँ पे 1 to 200 कस्टमर आईडी इस पेज पे है,
देन 201 से 400 तक इस पेज पे, 401 400 से लेके 600 तक यहाँ पे, 600 से लेके 800 तक यहाँ पे, ऐसे मैंने ग्रुप करके डेटा यहाँ पे स्टोर रखा है। अभी लेट से मुझे 150 नंबर का कस्टमर आईडी चाहिए, जैसे मैंने सर्च किया कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर वेयर कस्टमर आईडी इज इक्वल टू 150, तो 150 जो है मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ, यहाँ पे भी इन नोड्स के, इन डेटाबेस के नोड्स तक पहुँचने के लिए यहाँ पे ये नोड्स क्रिएट किए हुए हैं। जैसे यहाँ पे ये जो नोड है, ये नोड दो रोज को कनेक्टेड है, दो डेटा पेजेस को कनेक्टेड है, 1 to 200, 200 से 400। ये वाला जो नोड है, इस नोड से इन दो डेटाबेस को कनेक्ट किया हुआ है या पेजेस को कनेक्ट किया हुआ है, इस नोड से यहाँ को कनेक्ट किया हुआ है। अगेन एक सब नोड से ऊपर जो कनेक्ट करता है तीनों नोड्स को। तो अभी ये फिल्ट्रेशन कैसे होता है, लेट से मेरे पास अगर मुझे 150 को सर्च करना है, तो ये पहले चेक करेगा कि 150 किस नोड में आता है, 1 टू 400 में आता है, 400 टू 800 में आता है, या 800 से 200 आता है, 1200 में आता है। 150 मेरा किस रेंज में पड़ता है, इस रेंज में पड़ता है, 1 टू 400 में। तो ये जो 400 एंड 800 का जो पेजेस है, ये पेजेस पिक्चर में नहीं आएंगे। फिर वो क्या करेगा, इस नोड को जाएगा, उसको पता है 150 इस नोड के अंदर है। अगेन इस नोड को जाने के बाद वो देखेगा कि 150 1 टू 200 के बीच में है या 200 से 400 के बीच में है, तो बोलेगा कि 150 इस रेंज में, 1 टू 200 में, तो वो इस पेज को सर्च करेगा। अंडरस्टैंड हो रहा है ये? तो ये जो चार्ट है, ये चार्ट डेटाबेस के बैकएंड इंजन में बना हुआ होता है। ये कब बनता है, जब आप इंडेक्सिंग बनाते हो तब ये बनता है, एंड फिर जो आपका सर्च इंजन है वो सर्च इंजन उसके हिसाब से काम करता है। ठीक है, अंडरस्टैंड है ये चार्ट अंडरस्टैंड हुआ? बाइनरी ट्री इंडेक्स बोलते हैं इसको, या बी चार्ट भी बोलते हैं। ये बी चार्ट किस लिए होते हैं, जो आपका सर्च इंजन होता है एसक्यूएल सर्वर का, उसको, या क्यूरी जो होती है आप जब सर्च इंजन में डालते हो, उस क्यूरी का परफॉर्मेंस बूस्ट करने के लिए होता है। क्यूरी का जो रन टाइम होता है, वो रन टाइम कम करने के लिए इंडेक्सिंग यूज की जाती है, बाइनरी ट्री इंडेक्सिंग। ठीक है, ओके। ऑनलाइन स्टूडेंट, इसमें कुछ डाउट है इस बाइनरी ट्री इंडेक्सिंग में? ये समझा? बोलो। यस सर। यस सर। ओके। लेट मी कॉपी दिस टेबल एंड शोकेस यू। मैं यहाँ पे उस एक टेबल का स्क्रिप्ट है, सिंपल टेबल जो मैंने बनाया है, जैसे एम्प्लॉय इंडेक्स 1 मैंने इसको नाम दिया है, सेलेक्ट स्टार को एम्प्लॉय इंडेक्स 1 इंसर्ट इनटू 1। सो मैं यहाँ पे इस टेबल को रन कर रहा हूँ। मैं इसमें जो वैल्यूज इंसर्ट कर रहा हूँ, जैसे मैंने 1 इंसर्ट किया है, देन मैंने 3 इंसर्ट किया है, देन मैंने 2 इंसर्ट किया है, देन 4 किया है। तो जैसे मैं इसमें इंसर्ट करता हूँ, एंड इफ आई रन दिस टेबल, डेटा स्टोर कैसे हुआ है, 1, 3, 2, 4 में स्टोर हुआ है ना, जैसे मैंने डेटा इंसर्ट किया है वैसे वो स्टोर हुआ है। अभी मैं इस पेज पे इंडेक्स क्रिएट कर रहा हूँ, इस टेबल के अंदर इंडेक्स क्रिएट करते हैं। सो इंडेक्सिंग का सिंटैक्स है, लेट्स से क्रिएट क्लस्टर इंडेक्स, उस इंडेक्स का नाम देता हूँ, मैंने से IDX, EMP एम्प्लॉय आईडी। इस एम्प्लॉय आईडी के ऊपर मैं इंडेक्सिंग क्रिएट कर रहा हूँ। सो क्रिएट क्लस्टर इंडेक्स IDX एम्प्लॉय आईडी ऑन दिस टेबल का नाम, एंड उस टेबल का कौन सा कॉलम है जो आप इंडेक्सिंग के लिए यूज कर रहे हैं। से मेरे केस में मैं एम्प्लॉय आईडी को इंडेक्सिंग के लिए यूज कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं इसको रन करता हूं, अभी ये देखो एग्जीक्यूशन हुआ,
Now if I again run this table, see employee ID कैसे हुआ, वो 1, 2, 3, 4 as a sorting manner में store हुआ है. So data आपका कैसे भी रहने दो database में, जब आप indexing create करते हो तो वो अपने आप sort हो जाता है आपके sorting column के basis में. ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने ये दिखा कि ये cluster index लिखा है यहाँ पे. So indexing के again दो type होते हैं, फर्स्ट इज क्लस्टर इंडेक्स, सेकंड वन इज नॉन क्लस्टर इंडेक्स. सो ये क्या होता है, लेट्स से अभी लेट्स से मेरे पास ये टेबल है, ठीक है, 1 to 9 से लेके कुछ डेट है, कुछ कस्टमर आईडीज है, ये मेरा डेटाबेस में ऐसा मेरा डेटा स्टोर है. जब भी मैं क्या करता हूँ, क्लस्टर इंडेक्स क्रिएट करता हूँ, तो क्लस्टर इंडेक्स क्या होता है, जो आपके डेटाबेस में जो प्राइमरी की होता है, ठीक है, जब भी आप प्राइमरी की क्रिएट करते हो वो ऑटोमेटिकली प्राइमरी की के ऊपर क्लस्टरिंग इंडेक्स कर देता है डेटाबेस. आपको अलग से क्लस्टर इंडेक्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ती अगर आपने प्राइमरी की मेंशन की हुई है डेटाबेस के अंदर. लेकिन प्राइमरी की अगर नहीं है, देन यू हैव टू टेल द डेटाबेस दैट दिस इज माई क्लस्टर इंडेक्स. क्लस्टर इंडेक्स के लिए आप कोई भी कॉलम चूज कर सकते हो जो आपको सॉर्टिंग ऑर्डर में चाहिए, लेकिन एक टेबल के अंदर एक ही क्लस्टर इंडेक्स बन सकता है, मल्टीपल क्लस्टर इंडेक्स नहीं बन सकता. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने, मुझे अब बाद में लगा कि नहीं मुझे सैलरी के कॉलम पे क्लस्टर इंडेक्स करनी है, तो मैंने अगर सेम यहाँ पे बस इसको नाम दिया लेट्स से सैलरी, यहाँ पे मैंने कॉलम का नाम दिया सैलरी, ठीक है, रन दिस, तो क्या बोल रहा है कि cannot create more than one cluster index on table. So एक टेबल के अंदर आप एक ही क्लस्टर इंडेक्स बना सकते हो जो आपका प्राइमरी की होगा उस कॉलम के बेसिस पे, ठीक है. जैसे मेरे इस केस में जैसे मैं ऑर्डर आईडी को या कस्टमर आईडी को मैंने क्लस्टर इंडेक्स बनाया हुआ है, तो ये जो क्लस्टर इंडेक्स मैं बनाता हूँ ये क्लस्टर इंडेक्स एक टेबल के लिए एक ही रहेगा फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकंड, अगर आपने टेबल क्रिएशन के बाद प्राइमरी की मेंशन की हुई है देन क्लस्टर इंडेक्स बनाने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली उस प्राइमरी की को एज अ कंसिडर करता है क्लस्टर इंडेक्स. यस अथर्व, सर क्लस्टरिंग म्हणजे ते सॉर्टिंग होतं आणि एका सिक्वेन्स मध्ये येतं असं एवढंच आहे का? येस येस येस, सॉर्टिंग होतं एका सिक्वेन्स मध्ये येतं ते, आणि डेटाबेस नंतर ज्यावेळेस तुम्ही सर्च करता एखादी त्या पर्टिक्युलर, मी कस्टमर आयडीच्या बेसिसवर सर्च करतोय त्या टेबल मध्ये, तर तो ती इंडेक्सिंग प्रेफर करतो, त्या इंडेक्सिंगच्या प्रेफरवरनं तो सर्च करतो तो कस्टमर आयडी. जसं आपण बायनरी ट्री इंडेक्स बघितलं त्याच्यामध्ये तो कस्टमर आयडीच्या बेसिसवर जसं सर्च करत होता, जसं मी 150 कस्टमर आयडी सर्च करत होतो, तर तो जे नोड्स बनलेले आहेत त्या नोड्सच्या बेसिसवर त्याने सर्च केलं की 1 to 200 मला ह्या डेटा पेजवर भेटेल, तर तो फक्त एवढंच सर्च करेल 200 रेकॉर्ड्स. 1 million रेकॉर्ड्स मधले सर सगळे एवढे 100 आयडी आहेत ते पण होणार का सर्च? नाही, ज्यावेळेस क्लस्टरिंग इंडेक्स तुम्ही क्रिएट करता, हे जे बायनरी ट्री इंडेक्स जे आहे ना, हे बायनरी ट्री इंडेक्स बॅकएंडला काम करतं ज्यावेळेस तुम्ही इंडेक्स क्रिएट करता त्यावेळेस. इथे मी 150 सर्च करतोय बरोबर, पण हे जे ग्रुपिंग झालेलं इथे 1 to 200 च, तो सर्च करताना 200 सर्च करेल, पण त्याच्यातले 150 तुम्हाला त्याला माहिती आहे की 150 ह्या 200 मध्ये आहे, पण 200 सर्च करेल इथे. ओके, 1 to 200 सर्च करेल इथे, पण तो जास्त सर्च करतोय रिक्वायरमेंट पेक्षा जास्त, पण कम्पेअर टू मिलियन ऑफ रेकॉर्ड हे 50 सर्च करणं त्याला इझी आहे जास्त. हा म्हणजे स्पेसिफिक ग्रुप सर्च करतोय तो, ठीक आहे. आपण ऍक्च्युली इंडेक्सिंग बनवून बघणार आहे, आपला जो ऑर्डरचा टेबल आहे त्याच्यावर बनवून बघणार आहे, आणि आपण परफॉर्मन्स पण चेक करणार आहे क्यूरी रन करून की ऍक्च्युली तो कितीने कमी होतोय हे कसं चेक करतात हे पण आपण बघणार आहे. हे फक्त मी तुम्हाला बेसिक सांगतोय की हाऊ दिस क्लस्टर इंडेक्स अँड नॉन क्लस्टर इंडेक्स आर वर्किंग बिहाइंड द सीन, कारण हे आपल्याला दिसत नाही की हे कसं वर्क होतंय, हे लॉजिकलीच वर्क होतं
एसक्यूएल सर्व्हरच्या इंजिन मध्ये. क्लियर आहे? ओके यस सर. ओके सो आता इथे ज्या वेळेस मी ही क्लस्टर इंडेक्स ह्या याच्यावर क्रिएट केली तर प्रत्येक जो रेकॉर्ड असतो ना इथे हा रेकॉर्ड काय करतो एक फिजिकल ऍड्रेस त्याच्याबरोबर तो क्रिएट करत असतो. ये सारा चीज जो है ये डेटाबेस के अंदर, ये फिजिकल एड्रेस मतलब जहां पे डेटा जिस डेटाबेस पे स्टोर होता है वो कुछ भी रहेगा, डिस्क रहेगा, हार्ड डिस्क रहेगा, हार्ड ड्राइव जो भी रहेगा वहां पे वो एक स्पेस एलोकेशन लेता है डेटा. ठीक है, उस स्पेस एलोकेशन को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल एड्रेस. उस पर्टिकुलर रो का फिजिकल एड्रेस क्या है. ठीक है, तो उसका कुछ भी रहेगा, लेट्स से यहाँ पे मैं कुछ नाम दे रहा हूँ 1242 समथिंग, एंड इसका मैं कुछ नाम दे रहा हूँ ये एड्रेस. मतलब जैसे हम लोग हैं तो हम हमारे घर पे रहते हैं तो हमारा जो होम है वो हमारा एड्रेस हुआ, राइट. हमारी आइडेंटिटी उस एड्रेस से है, राइट. समझ में आ रहा है? तो इसको भी हम एड्रेस ही बोलते हैं. इस एड्रेस से ही इस रो की आइडेंटिटी है. सिस्टम को कैसे पता चलता है कि कौन सा रो कहाँ पे है, इस फिजिकल एड्रेस के बेसिस पे डेटाबेस को, क्योंकि वो मशीन है, राइट. मशीन को ये जो फिजिकल एड्रेस की लैंग्वेज है वही समझ में आती है, वो पढ़ता नहीं है आपकी तरह हमारी तरह पढ़ता नहीं है वो, राइट. नहीं तो फिजिकल ऍड्रेस डेटाबेस मध्ये एसक्यूएल सर्व्हर स्वतः अलोकेट करतं त्यांना, ते आपल्याला बघता येत नाही. म्हणजे बघता येतं पण त्याला खूप क्युरीज वगैरे प्रोसेस करून बघावं लागतं, बट त्याची नेसेसिटी नाही आहे काही बघण्याची. ते त्याच्या हिशोबाने ते प्रॉपरली स्टोअर करून ठेवतं आणि त्याला माहित असतं की कुठल्या रोचा फिजिकल ऍड्रेस कुठला आहे. याची आपल्याला केअर करायची गरज पडत नाही, तो हँडल करतो हे सगळ्या गोष्टी. ठीक आहे, फक्त आपण हे काय बघतोय की आपल्याला माहिती असावं की हाऊ ऍक्च्युअली थिंग्स वर्क. ठीक आहे, ठीक आहे. सो प्रत्येक रोचा जो फिजिकल ऍड्रेस असेल तो वेगवेगळा असेल, इच रो हॅव्हिंग हिज ओन फिजिकल ऍड्रेस. ओके, नाउ इफ आता अभी मुझे ऐसा चाहिए कि जो मैं कस्टमर आईडी के बेसिस पे यहाँ पे सर्च कर रहा हूं ना, तो लेट से यहाँ पे लेट से मैंने इस ऑर्डर आईडी के बेसिस पे पहले क्लस्टरिंग बनाई थी. नाउ आई वांट टू सर्च ऑन द बेसिस ऑफ 100. जैसे अभी लेट से मैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर टेबल में अगर मैं जैसे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस एम्प्लॉय इंडेक्स 1, ठीक है, और यहाँ पे मैं अगर वेयर क्लॉज लगाता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ हमारा जो इंडेक्सिंग था ये एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पे था. सो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ ना, एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू वट एवर लेट्स से 1. मैं इस 1 को सर्च कर रहा हूँ इस वाली क्यूरी से, तो इसने मुझे क्या किया, 1 यहाँ से सर्च कर दिया. अभी लेट्स से मुझे अभी एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पे सर्च नहीं करना है, मुझे क्या सर्च करना है, मुझे सर्च करना है सैलरी के बेसिस पे, दूसरे कॉलम के बेसिस पे मैं सर्च करना चाहता हूँ, नॉट ऑन द दैट पर्टिकुलर कॉलम जिस पे मैंने इंडेक्सिंग बनाया था. ऐसा जरूरी नहीं है ना कि मैं हर टाइम उसी कॉलम के बेसिस पे सर्च करूँगी जिस कॉलम पे इंडेक्सिंग था. तो मुझे दूसरे कॉलम की वजह से मुझे सैलरी के ऊपर यहाँ पे फिल्ट्रेशन करना है. तो इस केस में क्या होगा कि मेरा जो इंडेक्सिंग था वो मुझे हेल्प नहीं करेगा. सो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस सैलरी के कॉलम के लिए एक नया इंडेक्सिंग बनाना पड़ेगा. बट क्लस्टर इंडेक्स हम एक ही बना सकते हैं एक टेबल में, इसीलिए नॉन क्लस्टर इंडेक्स पिक्चर में आता है. तो आप कितनी भी नॉन क्लस्टर इंडेक्स बना सकते हो एक टेबल के अंदर. ये नॉन क्लस्टर इंडेक्स काम कैसे करता है, लेट्स से फॉर दिस एग्जाम्पल मैंने ऑर्डर आई डी के बेसिस पे मेरा क्लस्टरिंग बनाया था क्लस्टर इंडेक्स. नाउ मुझे सर्च करना है कस्टमर आई डी के बेसिस पे. अगर मैंने पहले क्यूरी रन करता हूँ, लेट्स से ये मेरा ऑर्डर टेबल है एंड मैं क्यूरी रन करता हूँ कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर वेयर ऑर्डर आईडी इज इक्वल टू 1, देन वो मुझे ये रो देगा क्योंकि मैं ऑर्डर आईडी के बेसिस पे सर्च कर रहा हूँ एंड ऑर्डर आईडी जो है उसका क्लस्टर इंडेक्स बना हुआ है. बट मैं अभी सर्च कर रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमर आईडी. लेट्स से मुझे कस्टमर आईडी 100 के लिए सर्च करना है, वेयर कस्टमर आईडी इज इक्वल टू 100.
तो मैं क्या करूंगा, एक नॉन क्लस्टर इंडेक्स यहाँ पे बनाऊंगा, इट्स ए नॉन क्लस्टर इंडेक्स किसके लिए, इस कस्टमर आईडी के लिए। इस कस्टमर आईडी का जब मैं नॉन क्लस्टर, ये नॉन क्लस्टर इंडेक्स बनाता हूँ, तो ये जो इंफॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर कर रहा है ना, ये क्या करता है, कस्टमर आईडी का कॉलम ले लेता है एंड इस कस्टमर आईडी का जो फिजिकल एड्रेस है ना, ये फिजिकल एड्रेस भी इसके साथ ले लेता है यहाँ पे। जैसे 100 का ये है, 200 का ये है, ऐसे क्या करता है वो फिजिकल एड्रेस ले लेता है। एंड नाउ मैं जब 100 के लिए सर्च करता हूँ तो उसको पता है कि इस 100 का फिजिकल एड्रेस ये है, तो डेटाबेस में सर्च करते समय वो इस फिजिकल एड्रेस के बेसिस पे सर्च करता है यहाँ पे। तो ये वाला जो मेरा टेबल है, इस टेबल में वो क्या करेगा, 100 के लिए जितने फिजिकल एड्रेस होंगे उन सारे फिजिकल एड्रेस को क्लब करेगा, क्योंकि उसके पास एग्जैक्ट वैल्यू है कि 100 का फिजिकल एड्रेस कहाँ कहाँ है, तो डेटाबेस में वो रिलोकेट करता है एंड आपको फिर सर्च करके देता है कि इतनी मेरे पास 100 की वैल्यूज है। तो ये नॉन क्लस्टरिंग इंडेक्स उस काम में आती है कि अगर आपको सर्च क्राइटेरिया जो आपका है वो क्लस्टर इंडेक्स के ऊपर नहीं है, किसी और कॉलम्स के बेसिस पे है, देन यू क्या, आप क्या करते हो कि उस पर्टिकुलर कॉलम के ऊपर एक नॉन क्लस्टर इंडेक्स बनाते हो। एंड देन आप जब आप बनाते हो तो ये बैकएंड में ऐसे वर्क होता है कि उसका फिजिकल एड्रेस वो कैप्चर कर लेता है, एंड अगर आप उस कॉलम के बेसिस पे सर्च कर रहे हो जिसके ऊपर क्लस्टरिंग इंडेक्स नहीं है और जिसके ऊपर आपने नॉन क्लस्टर इंडेक्स बनाया है, देन वो क्या करता है, फिजिकल एड्रेस को मैप करता है अपना पैरेंट टेबल में, ऑर्डर्स के टेबल में, और वो उसमें से ढूंढ निकालता है कि 100 के लिए कितने फिजिकल एड्रेस है। उसको ये सर्च करना इजी होता है क्योंकि फिजिकल एड्रेस उसने खुद मैप किए होते हैं। तो ये यहाँ पे मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड में वो सर्च करके फिर आपको रिजल्ट दे देता है कि इतने मेरे पास फिजिकल एड्रेस है और इतने कस्टमर आईडी 100 के लिए इतने आउटपुट आपके पास है। ठीक है सर, ओवरऑल जेवढे आहेत तेवढे दिसतात का नॉन क्लस्टर मध्ये? येस, नॉन क्लस्टर मध्ये जसं मी आधी इथे 100 टाकलंय, तर इथे असं नाही युनिक नसेल, इथे जसं 100 साठी तुम्हाला तुमच्याकडे जेवढे व्हॅल्यूज असतील, जसं इथे हा 100 चा कॉलम आहे ना, तर ह्या 100 साठी जेवढे इथे फिजिकल ऍड्रेस बनले असतील ते सगळे फिजिकल ऍड्रेस इथे येतील 100 च्या समोर, इथे परत 100 येईल, इथे परत 100 येईल, हे सगळे 100 इथे येतील। मग त्याला ज्यावेळेस सर्च करायचे कस्टमर आय डीच्या बेसिसवर, तो काय करेल, ह्या 100 चा ग्रुप उचलेल आणि तुम्हाला मग लेट से मला डेट पण पाहिजे किंवा ऑर्डर आय डी पाहिजे, अजून एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पाहिजे, तो तो काय करेल मग, युझिंग दिस फिजिकल ऍड्रेस ती इन्फॉर्मेशन ग्रॅप करेल इकडनं। तुम्ही फक्त जर कस्टमर आय डी सर्च करत असाल तर कस्टमर आय डी त्याला इथेच भेटून जाईल लगेच याच नॉन क्लस्टर इंडेक्स मध्ये, कारण कस्टमर आय डी ऑलरेडी तुम्ही इथे घेतलाय क्लस्टरिंग मध्ये या नॉन क्लस्टर बनवण्यासाठी। पण कस्टमर आय डी बरोबर तुम्हाला डेट पण पाहिजे आणि ऑर्डर आय डी पण पाहिजे, सो तो काय करेल, हा 100 आहे, 100 चा फिजिकल ऍड्रेस काय, हा आहे, हा फिजिकल ऍड्रेस इथे शोधेल आणि असोसिएटेड व्हॅल्यू त्याच्यात ह्या तुम्हाला जसं पाहिजे तसं तो देईल। म्हणजे मेन डिफरन्स तोच आहे ना, क्लस्टरिंग मध्ये स्पेसिफिक लिमिट पर्यंत 100 ची सर्च होणार आणि नॉन क्लस्टर मध्ये पूर्ण जेवढे आहेत। नाही तसं नाही म्हणता येणार, क्लस्टरिंग इंडेक्स जी असते, क्लस्टरिंग इंडेक्स आता लेट से क्लस्टर इंडेक्स तू ऑर्डर आय डी च्या कॉलम वर बनवलेली आहेस, तर तू सर्च ज्यावेळेस करतो एखादी क्युरी जसे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स वेअर ऑर्डर आय डी इज इक्वल टू 1, तर त्याच्याकडे ऑलरेडी एक इंडेक्स बनलेली आहे, त्याने ऑर्डर आय डीला एक असाईन केलेला आहे नंबर, तो त्या नंबरच्या बेसिसवर तुला सर्च रिझल्ट देतो। पण तू क्युरीमध्ये लिहिलं की सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर वेअर माय कस्टमर आय डी इज इक्वल टू 100, तर जी क्लस्टर इंडेक्स बनवली होती आपण ती ऑर्डर आय डी साठी बनवली होती, पण त्या केसमध्ये तुला 100 हे जे तुझा कस्टमर आय डीचा कॉलम आहे त्याला ती इंडेक्स तुला युजफुल नाही होणार, म्हणजे सर्चला तुला जेवढा वेळ लागायचा तेवढाच लागेल, म्हणून इथे तुला नॉन क्लस्टर इंडेक्स बनवावी लागेल ऑन द फॉर या कस्टमर आय डीच्या कॉलम साठी। मग तो काय करेल, कस्टमर आय डीच्या बेसिसवर हे जे फिजिकल ऍड्रेस आहे या फिजिकल ऍड्रेसचा युज करून ह्या टेबलला तो फिल्टर करेल मेन टेबल आणि मग तुला आउटपुट देईल। येस ओके येस सर से और इधर अपन लोग बना
मग आणि आपण ऑर्डर देत आणि जो पण काही दुसरा कॉलम होता ते त्याला प्रोव्हाइड नाही केलं. परंतु जो एक एक रो आहे ना त्या रो मध्ये लेट से माझा हा वन नंबरचा रो आहे. या वन नंबरच्या रो मध्ये ऑर्डर आय डी पण आहे, डेट पण आहे, कस्टमर आय डी पण आहे. मी कस्टमर आय डीच्या बेसिसवर जी क्लस्टर इंडेक्स नॉन क्लस्टर इंडेक्स बनवलेली आहे तिथे हा फिजिकल ऍड्रेस कॅप्चर केलाय ना. मग ह्या फिजिकल ऍड्रेस मध्ये ही सगळी इन्फॉर्मेशन आहे. त्याच्याकडे फक्त कस्टमर आय डी नाहीये, त्याच्याकडे डेट पण आहे, ऑर्डर डेट पण आहे, ऑर्डर आय डी पण आहे. सो तुम्ही ज्या वेळेस सपोज व्हेअर क्लॉज लावता की लेट से कस्टमर आय डी इज इक्वल टू 100 आणि वरच्या सिलेक्ट स्टेटमेंटमध्ये ज्या वेळेस लिहिता की मला ऑर्डर आय डी आणि डेट हवी त्यावेळेस तो या नॉन क्लस्टर इंडेक्सचा यूज करतो कारण त्याच्याकडे फिजिकल ऍड्रेस आहे. हा पण तुम्हाला ऑलरेडी तुम्ही व्हेअर क्लॉज मध्ये ज्या वेळेस तुम्ही एखादा फिल्ट्रेशन क्रायटेरिया लावता तर व्हेअर क्लॉज मध्ये जी तुम्ही व्हॅल्यू टाकली लेट से हा कस्टमर आय डी टाकला तुम्ही व्हेअर क्लॉज मध्ये पण सिलेक्ट स्टेटमेंट मध्ये तुम्हाला सगळी इन्फॉर्मेशन हवी ना. मी मला फक्त सिलेक्ट स्टेटमेंट मध्ये कस्टमर आय डी नकोय, मला सिलेक्ट स्टेटमेंट मध्ये ऑर्डर आय डी पण हवाय, डेट पण हवी आहे. बरोबर, कारण जशी नॉर्मल क्युरी आपण लिहितो आपण व्हेअर क्लॉज मध्ये ज्या व्हॅल्यूज टाकतो तीच व्हॅल्यू आपण सिलेक्ट स्टेटमेंट मध्ये घेत नाही, त्याचा काही मिनिंग होत नाही कारण आपल्याला सगळी इन्फॉर्मेशन पाहिजे त्या टेबल मधली. येते लक्षात? ओके, सो आपण काय करू, आपल्याकडे जो ऑर्डर्स टेबल आहे ना त्या ऑर्डर्स टेबलवर एक इंडेक्सिंग बनवून बघू की हाऊ दिस परफॉर्मन्स विल अफेक्ट. ठीक आहे, सो लेट्स से माझ्याकडे एक क्युरी आहे. व्हॉट आय कॅन डू, लेट्स से सिलेक्ट स्टार और आय कॅन यूज सिलेक्ट रो नंबर. मैं एक रो नंबर क्रिएट कर रहा हूँ ओवर ऑर्डर बाय रो आई डी एज आर एन फ्रॉम ऑर्डर्स क्रॉस जॉइन. ऑर्डर्स टेबल मध्ये आपल्याकडे किती येत रो? 3994. मला आता मिलियन्स ऑफ रेकॉर्ड जनरेट करायचे ऑन दॅट बेसिस. 10,000 रो पासून मला मिलियन्स ऑफ रेकॉर्ड बनवायचे. सो आपण ते युझिंग क्रॉस जॉईन बनवू शकतो. कसे बनवणार? लेट्स से मी यहाँ पे एक रो नंबर क्रिएट कर रहा हूँ. Here I can use select top 100 star from orders. इसको नाम दे रहा हूँ A. I want A dot star. अब फिर मैं इस query को run करूँ. जैसे मैं first run करता हूँ कि select star from ऑर्डर्स. इस टेबल में अपने पास कितने रो है? कुछ 3994 करके है ना. अगर मैं नीचे वाली क्यूरी को रन करता हूं अभी ये वाली, क्यूरी देखो रन हो रहा है. ये एग्जीक्यूटिव नहीं प्रोसेस में डेटा बहुत बड़ा जनरेट हो रहा है ना, इसलिए वो
वेट वेट वेट, इसको रन होने दो। कितना आ रहा है? 999400। ठीक है, ऑलमोस्ट अपन 1 लाख रोज पर्यंत गेलो। अजून पाहिजे असेल तर 1000 करा, मिलियन 10 लाख रोज पर्यंत जाईल। ठीक आहे, आपण मी तुम्हाला हे 1 मिलियन साठी दाखवते। सेम क्वेरी यूज करून काय करायचं, मिलियन्स ऑफ रेकॉर्ड जनरेट करायचे आणि त्याच्यावर इंडेक्सिंग ट्राय करून बघायचं की तुमचा जो क्युरीचा टायमिंग आहे, लेट्स से मी तुम्हाला सांगेल आता की हाऊ सर्च करायचं आपल्याला। ठीक आहे, तर आपल्याकडे हा टेबल आहे। आता तुम्ही काय करू शकतो की इथे असं म्हटलं की इनटू से ऑर्डर इंडेक्स 1, मी याला नाव दिलं। मी ज्यावेळेस इथं यहाँ पे मैंने जब इनटू डाला है तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसका एक कॉपी क्रिएट कर रहा हूँ ना। ये जो टेबल है मेरा, यहाँ पे फ्रॉम के पहले मैं इनटू करके एक नाम दे रहा हूँ ना टेबल के लिए। हमने जब देखा ना कि बैकअप टेबल हम क्रिएट करते हैं, ऐसे ही करते हैं ना, क्यूरी के फ्रॉम के आगे हम क्या लिखते हैं, इनटू, और उस एक नाम देते हैं टेबल को। और इसको मैं क्रिएट करूँ तो टेबल्स के अंदर वो टेबल क्रिएट हो जाएगा। लेट मी रन दिस। बैकअप टेबल याद है ना, ये रन हो रहा है एग्जीक्यूशन। हाँ 10 सेकेंड, ये देखो 999400 रोज अफेक्टेड। ठीक है, now if I go to my tables, refresh, ये देखो ये order index आया, dbo.orderIndex1, ये table यहाँ पे create हुआ। अभी इस table के ऊपर सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा जो customer ID है, जैसे orders जैसे मैं अभी ये फिलहाल के लिए ये टेबल रन करके ये जो कस्टमर आईडी है इसके अंदर का एक मैं ले रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं कि लेट्स से मैं कस्टमर आईडी की बेसिस पे पहले एक क्लस्टर इंडेक्स बना रहा हूं। मेरा जो ये ऑर्डर का टेबल है इसमें पी प्राइमरी की मेंशन नहीं है, इसीलिए मैं क्लस्टर इंडेक्स यहाँ पे कर रहा हूँ। लेट्स से मैंने ये वाला जो कस्टमर आईडी है एमजी वाला, इसको मैंने कॉपी कर लिया, या कोई और लेते हैं जो डुप्लीकेट हो। ठीक है, इसको मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर इंडेक्स वेयर कस्टमर आईडी इज इक्वल टू ये पर्टिकुलर। ठीक है, इसको मैं रन कर रहा हूं। कितने रोज मिले मुझे, 19988 समथिंग कुछ रोज मिले, बराबर। अभी मैं यहाँ पे एक क्लस्टर इंडेक्स बना रहा हूं कि क्रिएट क्लस्टर इंडेक्स। क्लस्टर इंडेक्स का नाम लेट्स से आईडीएक्स कस्टमर आईडी, ऑन के बाद आता है टेबल का नेम, टेबल का नेम दिस वन, ऑर्डर इंडेक्स, और किस कॉलम के ऊपर चाहिए उस कॉलम का नाम कस्टमर आईडी। ठीक है, कस्टमर नाम क्या, कस्टमर आईडी क्या, कस्टमर आईडी। नाउ इफ आई रन दिस, इसको मैं एग्जीक्यूट किया। ठीक है, अभी मैंने ये ऊपर वाला जो क्यूरी था मेरा, ये देखो ये कमांड सक्सेसफुल हुआ। इस टेबल के अंदर ये जो मेरा डीबीओ एम्प्लॉय इंडेक्स है, अगर मैं इस टेबल को एक्सपांड करता हूँ, यहाँ पे देखो इंडेक्सेस से दिख रहा है, इस इंडेक्सेस के अंदर जाऊंगा, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, आईडीएक्स एम्प्लॉय आईडी क्लस्टर इंडेक्स से क्रिएट किया आपने, जो हमने इस क्यूरी के थ्रू अभी क्रिएट की थी, बराबर। ये पहले मैंने क्यूरी रन की थी ना, ये वाली
इसको मैं राइट क्लिक करता हूँ अभी, यहाँ पे देखो है डिस्प्ले एस्टिमेटेड एग्जीक्यूशन प्लान, इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखो क्या आता है, दिख रहा है क्लस्टर इंडेक्स, दिख रहा है क्लस्टर इंडेक्स सिक, बराबर। इसको मैं क्या कर रहा हूँ अभी टाइम बिंग के लिए डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। इस इंडेक्स को मैं कैसे डिलीट कर सकता हूँ, राइट क्लिक करके डिलीट कर सकता हूँ इसको, लेट मी डिलीट दिस एंड नाउ इफ नॉर्मल। अभी इस क्यूरी को मैं वापस से क्या कर रहा हूँ, एग्जीक्यूशन डिस्प्ले एग्जीक्यूशन प्लान कर रहा हूँ, क्लस्टर इंडेक्स ड्रॉप क्यों कर रहा है, इसने लेना नहीं चाहिए वो, एक मिनट आ क्यों दिखा रहा है क्लस्टर इंडेक्स, मैंने डिलीट किया है, डोंट नो ले रहा है वैसे ही, एक मिनट हाँ
अभी देखो यहाँ पे मैंने एक सर्च क्राइटेरिया डाला, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर इंडेक्स वेयर प्रोडक्ट आई डी इज इक्वल टू दिस। ठीक है, इस क्यूरी को एग्जीक्यूशन करने से पहले मैंने इस पर क्या किया, राइट क्लिक करके डिस्प्ले एस्टिमेशन एग्जीक्यूशन प्लान किया एंड दिस क्लस्टर इंडेक्स का जो एक पेज आया वहाँ पे मैंने अगर देखा, देखो ये वाला यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, एस्टिमेटेड नंबर ऑफ रोज टू बी रीड कितना दिख रहा है, 9940। मतलब इसको क्या करना पड़ेगा, पूरा टेबल स्कैन करना पड़ेगा ये पर्टिकुलर सर्च करने के लिए, बराबर, क्योंकि मैंने अभी तक इंडेक्स क्रिएट नहीं किया हुआ, समझ रहे हो। मैं क्या करता हूँ अभी, इंडेक्सिंग क्रिएट करता हूँ, जैसे मैंने ये क्लस्टर इंडेक्स जो किया था इसको मैं क्रिएट करता हूँ। ठीक है, अभी देखो सबसे पहले मैंने बिफोर क्रिएटिंग क्लस्टरिंग इंडेक्स, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, हम क्या कर रहे हैं कस्टमर आईडी के ऊपर हमें कस्टमर क्लस्टर इंडेक्स बनानी है, राइट। अभी तक क्लस्टर मैंने बनाई नहीं है कस्टमर इंडेक्स, मैंने जो बनाई थी मैंने डिलीट कर दी। अगर मैं इस क्यूरी को क्या करता हूँ, मैं राइट क्लिक करके डिस्प्ले एस्टिमेशन एग्जीक्यूशन प्लान किया तो यहाँ पे क्या आ रहा है, टेबल स्कैन आ रहा है, बराबर, ठीक है, दिख रहा है टेबल स्कैन। इस टेबल स्कैन को मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पे आ रहा है मुझे कि इस टेबल के अंदर 9944 रोज है, ये सारे के सारे उसको स्कैन करने पड़ेंगे, एस्टिमेटेड नंबर ऑफ रोज टू बी रीड। ठीक है, मैं कर्सर को नहीं मूव कर सकता लेकिन यहाँ पे देखो एक एक रो है, एस्टिमेटेड नंबर ऑफ रोज टू बी रीड 9944 है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, टेबल स्कैन आना है प्लस एस्टिमेटेड ऑपरेटर कॉस्ट जो है, ये एस्टिमेटेड ऑपरेटर कॉस्ट कितना दिख रहा है, 40.73% दिख रहा है। मतलब आपका जो ये इंजिन है इसका इतना इतना परसेंटेज वो यूज करेगा रिसोर्स, ठीक है, उस सर्च को करने के लिए। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, हम एक इंडेक्सिंग बनाते हैं, दिस वन मैं क्या कर रहा हूँ, ये इंडेक्स बना रहा हूं किसके बेस, किसके ऊपर, कस्टमर आईडी के ऊपर, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ये हुआ, नाउ इफ आई सेलेक्ट दिस क्यूरी अगेन एंड इसको मैं अगर एस्टिमेशन टाइम देखता हूँ तो देखो यहाँ पे क्या आया, अभी क्लस्टर इंडेक्स आया, जो टेबल स्कैन था वो क्लस्टर इंडेक्स स्कैन हुआ। इसके ऊपर आके देखो ये एस्टिमेटेड रोज टू बी रीड कितने करने हैं उसको, 19,988, जो 9944 था वो कम हो गए रोज, बराबर, और ऑपरेटेड कॉस्ट देखो कितना है, 0.83% है, बराबर, तो जो कितना था अपना 43 या 47 कुछ था। मतलब रिसोर्स क्या कर रहा है अभी, वो कम यूज कर रहा है, क्यूरी आपकी फास्ट होगी रन, समझ रहे हो, क्यूरी का जो टाइम है एग्जीक्यूशन का वो कम होगा, 1988 इतने ही रोज उसको स्कैन करने पड़ेंगे, क्लियर है। ये कहा कैसे चेक किया हमने, पता चला इंडेक्सिंग का जो मेन मोटिव है कि हमें क्यूरी का परफॉर्मेंस बढ़ाना है तो वो हम इस वे से करते हैं। आपके पास अगर क्लस्टर इंडेक्स बनी नहीं है देन उसको बनाओ,
अगर प्राइमरी की है टेबल्स के अंदर देन वो एक्ट एज अ क्लस्टर इंडेक्स करती है, ठीक है। अगर आपको प्राइमरी की के अलावा किसी और कॉलम को क्लस्टर इंडेक्स बनाना है देन यहाँ पे टेबल्स के अंदर जो इंडेक्सिंग का पार्ट है यहाँ पे जाके चेक करो कि किस किस कॉलम के ऊपर इंडेक्सिंग है। आपको किसी और कॉलम पे चाहिए क्लस्टर इंडेक्स तो पहले वो इंडेक्स डिलीट करो जो बनी हुई है, एंड देन यू कैन क्रिएट अ न्यू इंडेक्स ऑन सेपरेट कॉलम। ओके ठीक है, नॉन क्लस्टर इंडेक्स जो है हम कल देखते हैं। ओके ठीक है, कल मिलते हैं फिर। यस सर। यस अप्पा।